गाइस कोई कोई भी फायदा नहीं है हमारा 4 बजे उठने का, ना मंदिर के दर्शन हुए। अब जादू ने कहा था सनराइज दिखाएंगे, चलो ये सनराइज गाड़ी से ही, कोई फायदा नहीं हमारा जल्दी उठने का। दिस इज द व्यू, ये जलवे वाला है ना गाइस, ये पूरा जयपुर है यहाँ से दिखता है। राजधानी आमेर ही थी, अकबर जो था कि हुई थी आमेर से हुई थी, जयपुर नहीं बना था उस टाइम पे, रखते थे। अच्छा, फिर रानियों को लाते थे, यहाँ से कच्चा रास्ता था, रानियां जाती थी महल, तो रानियां कहती थी राजा से, कहाँ लाया मेरे यार मुझे पहाड़ों में, मेरा फंस गया लहंगा झाड़ों में। तो भाई सुबह सुबह 4 बजे उठकर हम लोग निकल चुके गोविंद जी के दर्शन करने के लिए। जादू यहाँ से कितने मिनट का रास्ता है तेरे घर से? जल्दी उठा जब भी हो रहा है। 5 पत्ती बत्ती ये। अच्छा भाई मेरे तो कैमरा में नहीं आ रही है ये रही। गाइज मैं आपको चीज बताती हूँ, गाइज कोई कोई भी फायदा नहीं है हमारा 4 बजे उठने का, ना मंदिर के दर्शन हुए। अब जादू ने कहा था सनराइज दिखाएंगे, सनराइज हमें गाड़ी में ही दिख रहा है कि हो रहा है, कोई सनराइज पॉइंट का भी कोई फायदा नहीं। भाई शुभ तुमने मुझे उठाया क्यों इतनी जल्दी फिर? अरे यो क्यों उठाया क्यों नहीं जल्दी? उठाया क्यों? 3 बजे की बोला था मैंने कल ही, 3 बजे उठा जो 4 बजे उठाया शुभ हमने। 4 बजे तो मैं निकलता हूँ, सोच रहा हूँ स्कूटी जल्दी, मुझे 5 बजे दर्शन होते हैं। बस तो 3 बजे उठते 4 बजे पर निकलते यार। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, पिंक सिटी मुझे दिखी नहीं अभी तक, पिंक सिटी है अभी गए हैं, पिंक सिटी से बाहर ही चल रहे हैं। अच्छा, श्री खोले के हनुमान जी, खोले के हनुमान जी खोले के भाई, कोई मंदिर के दर्शन वर्शन नहीं करा दे दादू भाई, सनराइज उधर हो रहा है। अच्छा वैसे हमें एक पर्सनल गाइड मिला हुआ है उधर से हो रहा है दादू, गाइडिंग मत करिए गाड़ी। हां ना, गाइडिंग गाइड को जो बोलूंगा ना वो आधा घंटे पहले रेडी होंगे, जो टाइम दूंगा एक घंटे बाद रेडी होंगे। तू कैसे उठेगा? मैं तो उठता ही हूं। अरे मैं जाता हूं गोविंद जी, जाता हूं। तू सोता नहीं है, जब जाता है सोच ले, 3:30 उठ जाता हूं मैं, खुद जाता हूं। उठता नहीं है तू, चुप हो जा। 2 बजे तक तो तेरे ऑफिस होता है, 1.5 घंटे पबजी खेलता है। हाँ फिर ये मत बोलना उठता नहीं, सोता नहीं हूँ। नहीं मैं हाँ सोता भी नहीं, और उठना हो तो उठ भी जाता हूँ। मैं 7 बजे तक ना शनि जी को दर्शन करके वापस आ जाता हूँ, 7 बजे सुबह जाके शनि जी को दर्शन करके, और मेरे घर से पड़ता है कम से कम 140-150 किलोमीटर के आसपास, ज्यादा ही पड़ता होगा। फोर्ट पे जा रहे हैं ना, नजफगढ़ फोर्ट है, नाहरगढ़ नाहरगढ़ फोर्ट है। गाइस हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट पे जा रहे हैं, यहाँ से चढ़ाई शुरू हो चुकी है। सनराइज गाड़ी से ही, कोई फायदा नहीं हमारा जल्दी उठने का। नहीं वहाँ से भी तो यही दिखता ना, अरे वो पहाड़, अरे वहाँ से निकलता हुआ दिखता, वो अलग चीज होती है भाई। ये तो पूरा चंदा मामा ही दिख गया आगे। तो गाइस हम लोग रुके हैं यहाँ पे, अधेव आपको भी जल्दी उठा दिया हमने, आज कोई दर्शन वर्शन नहीं करवाए। वाह, तो वैसे यहाँ से तो वैसे जादू बोल रहे हैं यहाँ से पूरा जयपुर दिखता है। तो वो इस बोरा सन हमने पहले देख चुके हैं, एंड दिस इज द व्यू। ये पूरा जयपुर है यहाँ से दिखता है। वो ये क्या है मच्छर? जादू ये पूरा जयपुर है, जयपुर है यहाँ से पूरा, यहाँ से दिखता है ना पूरा। तेरा घर कहाँ है जल्दी बता पीछे।
पिंक सिटी। राधे 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 ओदे वो कर रहा है राधे राधे ऊपर सेकंड देखो ज्यादा से क्वेश्चन करना ये तो फोटो शूट हो रहा है। जादू तेरे कितने नाम है यार? अमित, जादू, मोंटू, अभिषेक, अभी सुकिरत, सुकिरत नहीं सुकृत, हां सुकृत। भाई साहब जदायु रेडी हो गए? आधे हो गया अब रेडी पूरा आधे। तो गाइस काफी पीसफुल जगह है ये, एंड ये देखो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये बहुत पुराना मंदिर है। थोड़ा आगे जाके दिखाते हो आप लोगों को। देखो ये बहुत पुराना मंदिर है बट बंद है। ये देखो दीवारें वगैरह देख लो, पत्थर वगैरह कितने पुराने लग रही है पूरी इमारत, इमारत जो भी बोलेंगे। फोटो सेशन चल रहा है, अच्छी जगह है काफी। भाई चलो भाई गर्मी हो रही है अब। अरे भाई गाइस मुझे लगा था कि अब थोड़ा मौसम सही होगा क्योंकि बारिश पड़ रही थी काफी दिनों से, पर अब तो जहर गर्मी है यार। एंड ये देखो ये दोनों बैठ चुके हैं यहाँ पे। हेलो मोदी, वो देखो शीश महल, वो ये तो गेट बंद है, की जयपुर वॉर म्यूजियम, ये तो गेट बंद है, गेट बंद है। दैट व्हाट इज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन यू। तो गाइस एक्चुअली अभी फोर्ट बंद है एंड अभी उसकी टाइमिंग नहीं हुई है ओपन होने की, तो आई गेस एक या डेढ़ घंटे के अंदर टाइमिंग होगी उसकी, जब वो खुल जाएगा देन हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी फिलहाल हम आ रुक चुके हैं मंदिर में। तो गाइस अभी हम रुके हुए हैं श्री चरण ठाकुर जी, श्री चरण मंदिर। चलिए देखते हैं अंदर जाके। तुम्हारा मन लग रहा है यहाँ पे? बहुत ज्यादा है कोमल, बढ़िया मजेदार। चलते हैं अंदर एंड देखते हैं क्या नजारे जा रहे हैं मंदिर के। ये देखिए देखिए मंदिर के, ये फूल जमीन से हो गए पड़े हैं क्या? हाँ जमीन से हो गए हैं। ये रहे पेड़ है, चल पहाड़ में मंदिर। बोल बाके बिहारी लाल की जय। काफी पुराना है ये, देखिए कुआ है। अच्छा बंद कर दिया, खुलवा दो, कुआ मा डूब जाऊंगी। तो ये तो पानी की टंकी अभी नहीं होती थी पहले, तो कुएं से पानी निकालो। निकाल दी चप्पल, आ जाओ आशिवी आ जाओ। तो गाइस चलिए आपको करवाती हूँ दर्शन। तो गाइस गोविंद जी के मंदिर का टाइम तो निकल चुका था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक फोर्ट पर है, यहाँ पर आ चुके हैं। सनराइज पॉइंट भी हमारा मिस हो गया बट यहाँ पे एक ठाकुर जी के चरण का मंदिर है। तो ये देखिए ये है भगवान के चरण, मैं आपको इसका पूरा इतिहास दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है इतिहास यहाँ का, आप लोग वीडियो पॉज करके या स्क्रीन शॉट लेके पूरी इस इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं। सीरियसली बहुत अच्छा एंड डिटेल में सब कुछ बता रखा है। एंड गाइज बहुत अच्छा है यहाँ पर, अगर आपको मंदिर के लिए कुछ दान दक्षिणा करनी है, साथ में स्कैनर भी दिया हुआ है, तो आप लोग भी ज़रूर दान करें। ये मंदिर सच में बहुत प्यारा है, बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। एंड यहाँ पे ये दोनों बच्चे चौकी पे बैठे हैं। एंड गाइस ये ना राजा महाराजाओं के टाइम का मंदिर है, किसी हरिश्चंद्र राजा जी ने बनाया था, जैसे कि आपने अभी लास्ट क्लिप में देखा पूरा इतिहास इसका। ये देखिए पूरी जो इमारत है ना काफ़ी पुरानी बनी हुई है, काफ़ी पुराने दरवाजे हैं यहाँ पे। ये देखिए मतलब ऐसा पूरा इतिहास देख के ना इंडिया का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार। और ये देखो ये दो प्यारी प्यारी चिड़िया बैठी है मंदिर के दरबार के ऊपर, बिल्कुल दर्शन हो गए काफ़ी अच्छे। यहाँ पे कान्हा जी के जो है पैरों के निशान है उन्हीं के दर्शन करे हमने। एंड देखो कितनी एंटीक पूरी ये जगह बनी हुई है, अरे भाई नज़र रखते होंगे कि भाई यहाँ कोई हमला वमला ना हो जाए यहाँ पे। शादी हुई है, तीनों रोड पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे पूरे बॉयज़ की फोटो खींच रहे हैं, आज भी आप दूर हो यूर गर्ल, तो पूरे बॉयज़ की फोटो खींच रही है यहाँ पे रोड पे बीचों बीच। कह रहा मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं रोड पे ऐसे ही चलूंगा,
ऐसे हरिद्वार जाऊंगा मैं। आदि आ जाओ टिग्गू। तो गाइस हमें प्रसाद में मिला है बेसन का लड्डू। दादा तो पहली बार आया इस मंदिर में? हाँ। यार यहाँ का तो पहली बार आया तो दर्शन हो गए। कभी शुभ गाड़े ला रहे हैं, चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। गाइस अभी हम रुके हैं टी टाइम टी ब्रेक। गाइस जयपुर के पहाड़ों के बीच हम लोग एंजॉय कर रहे हैं मैगी। पत्थर बैठे, पत्थर वाली सीट, मजा आ रहा है भाई, एकदम देसी वाइब आ रही है, पहाड़ी वाइब। और यहाँ पे शुभम और मैं एंजॉय कर रहे हैं मैगी गर्मा गर्म। मैगी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने एंड अपनी गॉसिप वगैरह चालू है हम दोनों की। गर्मा गर्म चाय एंड गर्मा गर्म मैगी, तो काफ़ी अच्छी मैगी बनाई है अंकल ने। अभी हमने ना यहाँ पे मैगी खाई है अंकल, सबसे पहले बात तो मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। एंड अब बताओ क्या बात बता रहे थे? पहले राजधानी आमेर ही थी, अकबर जोधा की हुई थी, आमेर से हुई थी, जयपुर नहीं बना था उस टाइम पे। तो कहते हैं कि ये नाहरगढ़ जो है इस शेर को बोलते हैं मारवाड़ी में नाहर, तो शेरों का गढ़ था, लास्ट पॉइंट था जंगल का, पूरे जंगल के इकट्ठे होते थे। अच्छा। तो जब वो एक दो गाड़ों को खा गए तो माधव सिंह जी ने सबको शूट करवा दिया, शेरों को, हाँ सबको मरवा दिया। फिर सोचा पॉइंट बढ़िया है, रानियों के लिए महल बनाया जाए, नौ रानियां थी उनके, तो उनके लिए महल बनाया जाए। तो कहते दिन में इसकी रिपेयरिंग करते, लाइट को वापस दीवार गिर जाती। अच्छा। दिन में चुनाई करते, रात को वापस दीवार गिर जाती। गुरु से संत महात्मा से पूछे भाई क्या रोल है, कोई गिराता है कैसे गिरती है? भाई नारों का गढ़ था, आपने नारों को तो मरवा दिया। अब पहले नारसिंह बाबा का मंदिर बनवाओ, महल के जस्ट पिछवाड़े में मंदिर बनाया, उसके बाद में फिर महल बनाया। नौ रानियां थी, सेम रूम बनाए नीचे ऊपर, नो अंतर भेदभाव नहीं रखते थे। अच्छा। फिर रानियों को लाते थे, यहाँ से कच्चा रास्ता था, रानियां जाती थी महल, तो रानियां कहती थी राजा से कहाँ लाया मेरे यार मुझे पहाड़ों में, मेरा फंस गया लहंगा झाड़ों में। वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको मारवाड़ी बोलने आती होगी अंकल? बोलना कुछ, बोलो। रुचिका का चैनल सब्सक्राइब करो, बोलो। रुचिका का चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। मारवाड़ी में बोलो इसे, मारवाड़ी बोलो अंकल प्लीज। रुचिका को चैनल सब्सक्राइब करनो छे, हाँ करनो छे, अभी करनो छे, लाइक भी करनो छे, शेयर भी करनो छे। चलो आप क्या चाहिए, कमेंट करके बताओ छे किसको पंजाबी, पंजाबी ने मारवाड़ी आयो छे। कैसे कैसे थारे दीदी कहाँ गई? वो सुबह सुबह के खाने को कले हो गए थे, कल मम्मी को बोलते हैं जीजी, हाँ और पापा को बोलते हैं दादा, दादा। अच्छा तो कहते हैं वो छोरा तो तेरी जीजी गई, उड़ गई। कौन गई? उड़ गई, कले गाल थी। फिर वो छोरा बोलते दादा जीजी खेत में गई थी, मैं सभी चारों ले आगे खेत में गई थी सुबह। अच्छा अब अंकल आप मतलब बोर्न एंड ब्रॉट अप जयपुर, जयपुर में ही हुए थे? गुजरगाठी सात पीढ़ी से, तो मतलब गुजरगाठी। अच्छा। गाठी में आके बस गए थे, गुजरा काल पड़ा था, साफ सुथरा थे। यही तो है यार हमारे देश की खूबसूरती, अलग अलग भाषा, अलग खाना, अलग भाषा, जो ही अच्छा, जो ही अच्छा आएगा ना। राजस्थान में 32 स्टेट जिलाएं हर उसकी है ना, अलग अलग लैंग्वेज मिल जाएगी हमारे साथ, हमारी पूरी और स्वीट भी ऐसा नहीं है कि मतलब चुभने वाली नहीं है, हमारे हाँ। खड़ी बोल ली है, तो हमारे बोलते है ना तो लगता है कि यार कोई गाली दे रहा है, मार्केट में बजा रहा है। इनकी भाषा ऐसी है मतलब स्वीट, जो गाली भी दे रहे हैं लगा है कुछ तो सही कह रहा है। कितना हो गया भैया? आशवी जो ये छे मैगी खाइए छे। हमने ना एक्चुअली आशवी का दूध करवाया और अंकल पैसे ले रहे हैं। अंकल ले लो, बच्चे भगवान करो, मुझे बच्चों का आज तक किसी से नहीं लिया पहले। अरे आप भी तो लेके आओ, और बच्चों के लिए रेट बाय रेट 10 का 10 में, और बड़ों के लिए 10 वाला 15 में, तो 15 के लगाओ। अरे अंकल हम तो आपके बच्चे जैसे हैं। नहीं अंकल ये पानी की बोतल लेकर फ्रिज अंदर क्यों रख रखा है? ये सामान सब इधर इधर के जाते हैं, रात को सुबह आके निकाल लेते। अच्छा तो रोज पानी ऑटो में ले। हाँ सही बात है।
तो भाई गाड़ी पहुंच चुकी है बिल्कुल नाहरगढ़ फोर्ट के जस्ट पास, एंड हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं अब ये फोर्ट। ये फोर्ट फाइनली खुल चुका है, जब हम पहुंचे थे तो ये फोर्ट बंद था, तो इसलिए हम लोग आसपास की जगह एक्सप्लोर कर रहे थे। गाइज मैं आपको ये फोर्ट दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, सीरियसली बहुत सुंदर फोर्ट है जैसा कि मैंने जादू से सुना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से।